हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ गई हूँ बहुत ही झटपट बनने वाला ये मोदक की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। देरी किस बात की। मैंने यहाँ पे काजू, एक कटोरी काजू को रोस्ट करके रखा है, और यहाँ पे मैं गैस पे रख दी फिर से कढ़ाई, और इसको इसमें मैं डाल दी हूँ एक छोटी चम्मच घी, और जो मैं काजू को रोस्ट करके रखी थी उसको मैं दरदरा ग्राइंड कर लूँगी, और इसको मैं डाल दूँगी घी में। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कटोरी नारियल का बुरादा। जो भी आप ड्राई फ्रूट यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हाँ काजू और नारियल से ही इसको मतलब करना है। जो भी आप ड्राई फ्रूट यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए, इसको अच्छे से एकदम लो फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट होने के बाद गैस का फ्लेम करेंगे बंद। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कटोरी गुड़। यदि आप चाहें तो शक्कर में भी बना सकते हैं, यानी चीनी में भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि बंद गैस पे ही इसको डालना है, नहीं तो क्या होगा कि जो गुड़ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा लिक्विड फ्लेम में आने के बाद। तो हल्का गर्म है तो गर्म में ही इसको डालना है। देखिए इसमें कितना अच्छे से बाइंडिंग आ गया है। अब इसको मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं रख दी हूँ फिर से गैस पे कढ़ाई, उसमें मैं डाल दी 4 बड़े चम्मच घी, और ये छोटे चम्मच से मैं डाल रही हूँ, बट बड़े चम्मच से मैं डालूँ तो ये 4 चम्मच है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कटोरी बेसन। हाँ फ्रेंड्स, मैं ये मोदक बेसन से बनाऊंगी। मैं इसमें 1.5 कटोरी बेसन डाल दी, और इसको एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से मैं भून लूंगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतना टेस्टी और इतना अच्छा, बनने में भी बहुत इजी तरीके से बन जाता है, कोई भी इसमें तामझाम नहीं है। ये भूनने के बाद ही आपको लगेगा कि हाँ एकदम भुना चुका है, क्योंकि इसमें सुगंध ही बहुत अच्छा आएगा, एकदम सौंधा सौंधापन सुगंध आएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ एकदम बेसन अच्छे से परफेक्ट भुना चुका है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कटोरी दूध। मैं उस दूध को डालूँगी और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको मिला लूँगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना करके गणपति बाबा को भोग लगाइए। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कटोरी चीनी। यदि आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ या चीनी का, दोनों का यूज कर सकते हैं। मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। और देखिए, इसी तरह से चलाते हुए एकदम परफेक्ट डो बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रख दूंगी एक प्लेट में ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है तो इसको छूना नामुमकिन है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो फिल्म बना करके रखी थी वहीं, और इसको मैं छोटे छोटे बॉल की तरह बना लूँगी। इसी तरह से मैं सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लूँगी फिलिंग का। देखिए कितना अच्छा से पूरा परफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं जो बेसन का डो बना करके रखी थी वही ले रही हूँ। ये हल्का गर्म है। अब इस डो को मैं अच्छे से मिला लूँगी अपने हाथों की सहायता से ही, और ये हल्का गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा कि परफेक्ट नहीं बन करके तैयार होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गर्म में ही, हल्का गर्म में ही इसको अच्छे से तैयार करना है, यानी सॉफ्ट करना है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा लोई, और ये बॉल की तरह तैयार करूँगी। और बॉल की तरह बन करके तैयार हो गया। इसको मैं बीच से उंगली की सहायता से इसको दबा करके और इस तरह से कटोरी के शेप में दे दूँगी। और जो मैं फिलिंग बना करके रखी थी काजू का, वहीं मैं इस
बॉल में डाल दूंगी और इसको हल्के हल्के हाथों से ऊपर के साइड दबाते हुए इसको अच्छे से एक शेप में ले आएंगे। और देखिए कितना अच्छा से परफेक्ट तरीके से शेप में आ रहा है, मोदक के शेप में। फ्रेंड्स, मैं बिना मोल्ड के ही बना रही हूँ और ये सच में इतना इजी है इसको बनाना कि बहुत ही आसानी तरीके से ये बन करके तैयार होगा। अब मैं इसको हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा चिकना कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक फॉग, आप चाहें तो मतलब चम्मच की सहायता से या फिर लकड़ी की सहायता से भी इसको इस तरह से कली का शेप दे देंगे। मैं यहाँ पे देखिए किस तरह से कली का शेप दे रही हूँ और देखिए कितना अच्छा से एकदम मोदक बनकर के तैयार हो गया है गणपति बाबा के भोग लगाने के लिए। तो इस गणेश चतुर्थी में आप लोग इस तरह से बेसन का मोदक बना करके और ज़रूर एक बार गणपति बाबा का भोग लगाइए। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा कलर से डेकोरेट कर ले रही हूँ, आप चाहें तो करी या फिर इसी तरह से रख सकते हैं क्योंकि इस तरह से भी बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा दिखेगा और खाने में तो कुछ पूछिए ही मत। देखिए कितना अच्छा से एकदम बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोगों को काट करके दिखा रही हूँ कि इसमें जो फिलिंग है वो कितना अच्छा से दिख रहा है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि बिना मोल्ड के इस तरह से इतना टेस्टी और इतना अच्छा से मोदक बन करके तैयार हो सकता है। देखिए कितना अच्छा से बन गया है। तो इसी तरह से आप भी गणेश चतुर्थी में मोदक बना करके गणपति बाबा का भोग ज़रूर लगाइए और प्रसाद के रूप में आप भी खाइए, परिवार को खिलाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।